रास्ते का माल सस्ते में की जगह अब ऑनलाइन माल सस्ते में। वित्त वर्ष 2018 में अमेज़न ने फ्लिपकार्ट से करीब 21% ज़्यादा बिक्री की है। ई कॉमर्स बाजार में बढ़ते कंपटीशन की वजह से हर कंपनी एक दूसरे से सस्ते में माल बेचने की रेस लगा रही है। देश के बढ़ते ई कॉमर्स बाजार में अमेरिकी कंपनी अमेज़न ने देश की कंपनी फ्लिपकार्ट को पीछे छोड़ दिया है। बार्कलेस की हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018 में अमेज़न ने फ्लिपकार्ट से करीब 21% ज्यादा देश में सेल की है। अगर आंकड़ों को ध्यान से देखें तो फ्लिपकार्ट ने वित्त वर्ष 2018 में $620 करोड़ की ग्रॉस सेल की है। हालांकि इसमें फ्लिपकार्ट की बाकी ऑनलाइन कंपनियां जैसे मिंत्रा और जैबोंग की सेल नहीं जोड़ी गई है। वहीं अमेज़न इंडिया की क्रॉस सेल $750 करोड़ की रही है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2019 तक अमेज़न इसे $1,120 करोड़ और फ्लिपकार्ट इसे $870 करोड़ तक पहुंचा देंगे। गौरतलब है कि अमेज़न ने लगभग 5 साल पहले भारतीय बाजार में कदम रखा और भारतीय कंपनी फ्लिपकार्ट से उसको कड़ी टक्कर मिली। अमेज़न ने फ्लिपकार्ट को खरीदने की तमाम कोशिशें की लेकिन एक अन्य अमेरिकी रिटेलर वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का करीब 77% हिस्सा $1,600 करोड़ में खरीदने में कामयाब रहा। भले ही अमेज़न ने फ्लिपकार्ट को सेल में पिछाड़ दिया हो पर रेवेन्यू के मामले में फ्लिपकार्ट अमेज़न से आगे रहा है। वित्त वर्ष 2018 में अमेज़न की रेवेन्यू $310 करोड़ की रही है जबकि फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू $370 करोड़ का रहा है यानी करीब 19% ज्यादा। वहीं अमेज़न किशोर बियानी की फ्यूचर रिटेल कंपनी का 9.5% हिस्सा खरीदने की तैयारी में है। उज़ैर अली जाफरी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।